हेलो एंड वेलकम, मैं हूं नीलम मेहरा और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है आपका फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। सलमान खान के दबंग के लिए अजय देवगन ने किया ये काम। फिल्मों के मामले में साल 2019 बॉलीवुड के इन बड़े एक्टरों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान और अजय देवगन की। इन दोनों की फिल्में दर्शकों को बेहद पसंद आई हैं। सलमान खान और कैटरीना कैफ के इस ईद पर रिलीज हुई फिल्म भारत ने करोड़ों का आंकड़ा भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पार किया है, जिससे सलमान खान बहुत ज्यादा खुश हैं। जबकि सलमान खान की रेस 3 को तो लोगों ने सिरे से नकार दिया था, इसके बावजूद भाई ने अपने नाम के दम पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर लिया था। हालांकि अजय देवगन की दे दे प्यार दे को कुछ लोगों ने पसंद जरूर किया था। अभी हाल ही में खबर आई थी कि सलमान खान और अजय देवगन की फिल्म दबंग 3 और तानाजी बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हो सकती है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अजय देवगन ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट को बदल लिया है। दरअसल सलमान खान की दबंग 3 20 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। अजय देवगन की फिल्म तानाजी द आंसर वॉरियर और सलमान खान की फिल्म दबंग 3 के बीच में इन दोनों की दोस्ती आ गई है और इसीलिए अजय देवगन ने अपनी फिल्म को आगे कर दिया है। ऐसा करने का और भी कारण सामने आए हैं। दरअसल इस फिल्म के कुछ सीन अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और कुछ सीन शूट होने अभी बाकी हैं, क्योंकि मुंबई में तेज बारिश के कारण कुछ सीन अधूरे हैं। यही कारण है कि अजय देवगन अपनी फिल्म 2020 में रिलीज करेंगे। सलमान खान और अजय देवगन दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में इनकी फिल्मों को लेकर क्लैश होने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। इतना ही नहीं, दोनों ही अपनी फिल्मों के प्रोड्यूसर भी हैं, तो इनका क्लैश दोनों की फिल्मों के लिए ही बुरा साबित होता है। ऐसे में अजय देवगन ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट को बदल लिया है। और आपको बता दें कि दबंग 3 को डायरेक्टर प्रभु देवा बना रहे हैं और इसमें सलमान खान के साथ साथ सोनाक्षी सिन्हा और अरवाज खान भी दिखाई देने वाले हैं। वहीं अजय देवगन अपनी अगली फिल्म तानाजी द आंसर वॉरियर ला रहे हैं। ये फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के सूबेदार तानाजी मालुसरे की भूमिका में नजर आएंगे। इस अपडेट से जुड़ी आपकी जो भी राय है, आप प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारी न्यूज को today.com पर भी देख सकते हैं और YouTube पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज़।